गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड आई होप दैट यू ऑल बी फाइन एज यूजुअल। सो टुडे आई एम मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ फ्रॉम सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग एंड द टॉपिक इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ओके, दैट इज लेक्चर 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग अकोमोडेशन इन बेल्जियम, आई विल रिकॉल यू the linguistic group or ethnic composition or linguistic composition in Belgium. So what was the linguistic composition in Belgium? There were 59% Dutch speaking people, 40% French speaking people, and 1% remaining German speaking people. So you can see there are lots of diversities. Why? Because अगर वहाँ पर इतने सारे लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैं तो ऑब्वियस है वहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम होगी। ओके, और जब लैंग्वेज जो मेन डिफरेंट उन लोगों की है वो तो है, प्लस क्या है, देयर रीजन्स आर आल्सो डिफरेंट। कुछ स्पीकिंग पीपल कहीं और रह रहे हैं, कुछ स्पीकिंग पीपल कहीं और रह रहे हैं। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज अकोमोडेशन? Accommodation means arrangement, settlement, compromise, whatever you can say. If we talk about Sri Lanka, there were not like this difference. Means वहाँ पर उस टाइप का डिफरेंस नहीं था इतना। बेल्जियम जैसी जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा था, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उस टाइप की वहाँ पर नहीं था। बिकॉज वहाँ पर सिन्हालाज आप देख रहे हैं 74% और तमिल्स हैं, दोनों में पावर को शेयर कर दिया जाता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बट सिन्हालाज ने नहीं किया, उन्होंने मेजॉरिटी जो कम्युनिटी होती है उसका जो यूज़ किया नेगेटिव सेंस में, और अपना जो पावर था वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया, पावर अपना कंट्रोल पूरे गवर्नमेंट पर कर लिया, पूरी कंट्री पर कर लिया। सो वहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रगल। और जो तमिल्स थे उन लोगों ने अपने अलग एक डिफरेंट एलम की भी डिमांड करने लगे। बट बेल्जियम में क्या हुआ, वहाँ पर अकोमोडेशन किया गया, अकोमोडेशन अरेंजमेंट किया गया, दैट वी कैन कॉम्प्रोमाइज, वी कैन अरेंज समथिंग बेटर दैट देयर कुड बी नो एनी प्रॉब्लम टू एनी वन। ओके, सो यहाँ पर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, यू नो, डच, फ्रेंच, जर्मन। ओके, अब यहाँ पर क्या था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, रीजनल डिफरेंसेस थे, कल्चरल डाइवर्सिटीज थी। सो वहाँ पर जो एक न्यू पाथ जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था वो क्या था, दैट वाज द, यहाँ पर देख रहे हैं, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन 4 times 1970 एंड 1993। तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट कुछ क्लॉज जो ऐड कर दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में के सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप ईयर देख रहे हैं 1970 1993, तो 4 times अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। What was the reason? The reason was so that everyone could live together within the same country. जब सबको इक्वल राइट मिलेगा तभी तो बिना किसी अलग नेशन या अलग स्टेट की डिमांड किए सारे एक जगह एक कंट्री में रह पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियस है अलग स्टेट अलग नेशन की भी डिमांड कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वहाँ पर अमेंडमेंट किया गया। सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन मॉडल मीन्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर क्या है, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट किया गया, क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई, और जो डच थे फ्रेंच थे उन लोगों को कैसे, और प्लस जर्मन को भी उसमें ऐड किया गया, 1% ही सही जर्मन थे, तो कैसे सबको इक्वल राइट देकर सबको वहाँ पर इक्वालिटी मिली। ओके, सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, ये 4 points ऐड किए हैं किसमें, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल में। ओके, सो फर्स्ट क्या है, इक्वल मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इक्वल मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स आप लोगों को पता है एक कंट्री होगी वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और फिर अगर वहाँ पर फेडरल सिस्टम है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। तो यहाँ पर क्या गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और वहाँ पर इक्वल मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर इक्वल मिनिस्टर से मीनिंग किसके हैं,
नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो वहाँ पर डच और फ्रेंच दोनों, भले ही जो डच है वो मेजॉरिटी में है और फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में, बट दोनों को इक्वल जो मिनिस्टर्स हैं उनके जो नंबर्स हैं वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसी में एक क्लॉज और ऐड है, सम लॉज रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, मीन्स कुछ ऐसे भी लॉज हैं जहाँ पर जिसमें सपोर्ट सारे जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, सारे मीन्स जितनी वहाँ लैंग्वेज ग्रुप हैं उससे रिलेटेड लिंग्विस्टिक, आप लोगों को मैंने बताया था रिलेटिंग टू लैंग्वेज, और अगर नहीं बताया तो आप समझ लीजिए लिंग्विस्टिक रिलेटिंग टू लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ कई सारे लैंग्वेज के सिटीजन्स थे, सिटीजन्स कह सकते हैं, पीपल कह सकते हैं। ओके सो अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लॉज ऐसे हैं जहाँ पर जो अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उसके जितने भी मेजॉरिटी मेंबर्स होंगे उनके सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और जब वो सपोर्ट करेंगे तभी वो डिसीज़न लिया जाएगा। ओके तो फर्स्ट क्लॉज किससे हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से। नाउ कम टू सेकंड, जैसे इंडिया में उसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं आप, कम टू सेकंड पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट से कई ऐसे पावर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। व्हाट इज़ द रीज़न, सो दैट स्टेट गवर्नमेंट कुड नॉट बी एज अ सबऑर्डिनेट, मीन्स वो सबऑर्डिनेट क्या मीन्स ऐसा ना लगे कि वो रैंक में या पोजीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से लोअर है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी उतना ही पावर दिया गया है ना, ये ऐसा नहीं है कि उसके अंडर में वर्क कर रही है, ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट, बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी इन बेल्जियम, मीन्स वहाँ पर डच हो या फ्रेंच हो दोनों को जो ब्रुसेल्स हैं वहाँ पर दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वालिटी देखिए आप लोग, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो वहाँ पर डच और फ्रेंच दोनों को सेम इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स बोला गया, इक्वल मिनिस्टर्स बोला गया। अब यहाँ पर जब ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी की बात है, यहाँ पर क्या है, जो फ्रेंच हैं वो मेजॉरिटी में है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी में है तो उनको सारा पावर दिया गया है। ब्रुसेल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी में है, बट फ्रेंच और डच दोनों को इक्वल राइट यहाँ पर दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ओके सो अब यहाँ पर क्या है, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो डच को अगर इक्वालिटी दी गई तो उसके अगेंस्ट नहीं है, उसी तरह जब फ्रेंच को, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को इक्वालिटी दी गई तो उसके अगेंस्ट डच नहीं हुए, दैट इज़ कॉल्ड अरेंजमेंट। ओके दैट इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लियर हो गया, फर्स्ट इज़ रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज़ स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड इज़ कैपिटल सिटी। नाउ कम टू फोर, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके अब यहाँ पर एक न्यू वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स एक्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देर इज़ ऑल्सो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी कैसे, इलेक्टेड बाय पीपल, ये पीपल के थ्रू इलेक्ट होगी एंड बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, मीन्स वन लैंग्वेज जो होगी उसकी अपनी अलग एक कम्युनिटी होगी और उसको जो इलेक्ट किया जाएगा उसी लैंग्वेज से रिलेटेड लोगों से किया जाएगा, उसी लैंग्वेज से रिलेटेड पीपल से किया जाएगा, वेयर एवर दे लिव्ड, कहीं भी वो रहते हो इससे डजेंट मैटर, उनकी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी होगी। और इस कम्युनिटी को पावर क्या दिया गया, मीन्स दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशनल लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़, मीन्स उस लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी कल्चरल प्रॉब्लम हो, उनकी एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, है ना, या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू हो तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट उसको सॉल्व करेगी। सो यू कैन सी हियर देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस इन बेल्जियम, बट दिस अकोमोडेशन ऑफ इन बेल्जियम अरेंजमेंट वर्क सो वेल, मीन्स इससे क्या हुआ, हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ एंड लिंग्विस्टिक डिवीज़न। सिविक स्ट्राइफ मीन्स जैसा आपने श्रीलंका में देखा कि वहाँ पर अगर तमिल्स को इक्वल राइट मिल जाता तो फिर वो अलग जो सेपरेट तमिल एलम की डिमांड कर रहे थे वो नहीं करते, है ना, बट यहाँ पर बेल्जियम में ऐसा नहीं। व्हाट वाज द रीज़न, बिकॉज दे अडॉप्टेड पावर शेयरिंग। तो अब यहाँ पर क्या हुआ,
एक तो सिविक स्ट्राइफ नहीं हुआ जो सिटीजन से रिलेटेड जो स्ट्रगल होता है। सेकंड लिंग्विस्टिक डिवीज़न, कई बार लैंग्वेज के बेस पर भी एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की जाती है या फिर उसके बेस पर नेशन भी डिवाइड हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ये अरेंजमेंट कैसे हुई? बिकॉज दे अडॉप्टेड पावर शेयरिंग, दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ पावर शेयरिंग। Because of arrangement of power sharing, Brussels was chosen as the headquarter of EU. Means, वहाँ पर power sharing को क्या किया गया था, arrangement किस तरह से किया जाए कि सबको power sharing सब में distribute भी कर दिया जाए, वहाँ पर किसी को कोई problem ना हो। अब Brussels में ये किया गया, इसी को देख कर EU में, EU अभी मैं बताती हूँ, EU का जो headquarter था वो as a Brussels select किया गया, choose किया गया। अब ईयू है क्या? ईयू दिस इज़ द यूरोपियन यूनियन, ओके, एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स दैट आर लोकेटेड प्राइमरीली इन यूरोप। मतलब यूरोप में जो मोस्टली जो स्टेट्स हैं उन लोगों का पूरा जो ग्रुप है सॉरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वे में, ओके, तो 27 मेंबर्स हैं जिनका ये पूरा ग्रुप है, दैट इज़ कॉल्ड ईयू। सो नाउ यू कैन सी बेल्जियम एंड श्रीलंका एंड यू कैन कंपेयर दीज टू कंट्रीज। इफ़ वी टॉक अबाउट श्रीलंका, यू कैन से दैट इट अफेक्ट द यूनिटी ऑफ कंट्री। सिन्हाला सुप्रीमेसी तमिल्स कंटिन्यू, वहाँ स्ट्रगल चलता रहा। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ सिन्हालाज जो मेजॉरिटी में थे उन्होंने अपना सारा पावर कैप्चर कर लिया था। बट इफ़ यू टॉक अबाउट बेल्जियम, बेल्जियम में क्या हुआ, वहाँ पावर शेयरिंग को इसीलिए अडॉप्ट ही किया गया सो दैट दे कुड बी यूनाइट इन और एज अ वन कंट्री, ओके। सो दिस वॉज द अकोमोडेशन इन बेल्जियम। आई होप दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सारे टॉपिक जो आप देख रहे हैं इसमें मैंने 1, 2, 3 पॉइंट्स और अलग अलग पॉइंट करके इसलिए किया है कि आप लोगों को नोट्स बनाने में और चीज़ों को समझने में ज़्यादा इजी हो। और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं, मैं एक बार उसको आपको रीड करके दिखा देती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लिंग्विस्टिक कंपोजिशन इन बेल्जियम? नेक्स्ट, व्हाई वाज द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 टाइम्स? नेक्स्ट, what are the basic elements of Belgian model of power sharing? Next, what was the problem in Belgium regarding power sharing? Next, what is the concept of community government of Belgium? Next, why Brussels was chosen as the headquarter of EU? Next, why French speaking people accepted equal representation in Brussels? Next, what do you learn from the two stories of Belgium and Sri Lanka? And last, what is EU? You can find all answers in this note, okay? So this was this topic and make notes and make understand, okay, thank you.